लोकामिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्धं। नमस्कार, मेरा नाम मैत्री नैना है और आज का मेरा विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। मर्यादा पुरुषोत्तम एक संस्कृत शब्द है। मर्यादा का अर्थ होता है सम्मान, न्याय परायण, और पुरुषोत्तम का अर्थ होता है सर्वोच्च व्यक्ति। ये दोनों शब्द जब जुड़ते हैं तब बनता है सम्मान में सर्वोच्च, और ऐसे थे हमारे श्रीराम। श्रीराम ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। वे सदैव ही अपने माता पिता और अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे। श्रीराम अपने सभी भक्तों के चहेते हैं। श्रीराम ना सिर्फ अपने माता पिता और गुरु के प्रिय थे बल्कि अपनी समस्त प्रजा के भी प्रिय थे। श्रीराम अपने सभी कर्तव्य को अच्छे से निभाते थे। श्रीराम ना सिर्फ एक अच्छे पुत्र थे बल्कि एक अच्छे पिता, एक अच्छे शिष्य, एक अच्छे राजा और एक अच्छे पति भी थे। आज के समय में हम जब देखते हैं कि दो अच्छे यानी कि अपने दो सगे भाई एक संपत्ति के लिए झगड़ते हैं, तब श्री राम ने पिता की एक आज्ञा के लिए अपना सब कुछ भरत को दे दिया और अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वे माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास में रहे। कहा जाता है जब श्री राम वनवास से वापस आकर अपना सब कुछ संभाल लेते हैं तब उनके राज्य में कभी भी चोरी नहीं हुई थी, डकैती नहीं हुई थी और कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता था। एकमात्र धोबी के कहने के बाद अपने श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया। ये उनके लिए बहुत ही कठिन था मगर अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए उन्होंने ये त्याग भी किया। श्री राम ने माता सीता को एक वचन दिया था कि वे कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था तब ये यज्ञ सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही होता है, और तब श्री राम ने माता सीता को अपने पास यानी कि उनकी मूर्ति को बनवाया और अपने साथ यज्ञ में अपने पास में बिठाया और अपने सभी कर्तव्यों को अच्छे से पालन किया और अपनी मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया, और ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। नमस्कार।